करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंच गए हैं। स्मार्ट सिटी बसों को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। दीनदयाल एक्सप्रेस को भी रवाना किया है और उसके साथ ही ऐतिहासिक व्यापार मेले की शुरुआत मुख्यमंत्री आज करेंगे। तो फूलबाग में सभा को भी संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। ये कार्यक्रम है आज का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्वालियर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दीनदयाल एक्सप्रेस को उन्होंने रवाना किया है। इसके साथ ही ऐतिहासिक व्यापार मेले की भी आज शुरुआत की जाएगी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ ही वो पहुंचे हैं ग्वालियर, जहां हरी झंडी दिखाकर उन्होंने स्मार्ट सिटी बसों को रवाना किया। इसके साथ ही दीनदयाल एक्सप्रेस को भी रवाना किया और अब से कुछ देर बाद व्यापार मेले की शुरुआत करेंगे। तो तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट पर, और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं जब स्मार्ट सिटी बसों को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही दीनदयाल एक्सप्रेस को भी उन्होंने रवाना किया है। आज ग्वालियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से कई विकास कार्यों की सौगात आज ग्वालियर की जनता को मिलने जा रही है। व्यापार मेले का शुभारंभ आज किया जाएगा, शुरुआत आज से होगी। इसके साथ ही आज आप तस्वीरें देख रहे हैं, दीनदयाल एक्सप्रेस और स्मार्ट सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने रवाना किया है। वहीं और भी कई कार्यक्रम हैं, मुख्यमंत्री के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद मोती महल परिसर में ई ऑफिस की भी शुरुआत मुख्यमंत्री करेंगे। तो देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ग्वालियर से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच पर मौजूद हैं। प्रहलाद हमारे साथ संवाददाता ग्वालियर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रहलाद, अपडेट क्या मिल पा रहा है क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन, ग्वालियर की जनता के लिए कई विकास कार्यों की सौगात आज प्रदेश सरकार देने जा रही है ग्वालियर को? हाँ बिल्कुल, जगह आपने ठीक कहा, कई विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देने वाले हैं और अभी हाल ही ग्वालियर के ऐतिहासिक व्यापार मेले का शुभारंभ करने पहुंचे हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा परिवहन मंत्री जो गोविंद सिंह वो भी मौजूद हैं और खुद के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं और अनूप मिश्रा, तमाम वो शख्सियत यहाँ मौजूद हैं। ऐतिहासिक मेले को लेकर जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी उसको विराम मिला है और इसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहले ही इसे लेकर सांसद सिंधिया ने संकेत दे दिए थे कि ग्वालियर का व्यापार मेला इस बार लगेगा और पिछले बार की तुलना में व्यापार करेगा। तो आप तस्वीरें सामने देख रहे हैं कि किस तरीके से शुभारंभ हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण ये पल है ग्वालियर के लिए, ये ऐतिहासिक पल रहता है क्योंकि सैकड़ों वर्षों से ये परंपरा का निर्वहन हो रहा है कि ग्वालियर का मेला आयोजित किया जाता है। अब जब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खुद सांसद सिंधिया यहाँ पहुंचे हैं तो आप तस्वीरें देख पा रही होंगी, स्वागत सत्कार चल रहा है और ये मेला प्रांगण है। जया, बिल्कुल मेला प्रांगण है और अब से कुछ ही देर बाद इस मेले का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री करेंगे। ऐतिहासिक मेला होता है व्यापार मेला, जिसकी शुरुआत आज से की जाएगी। और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक दूसरे को माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। और ये तस्वीरें इस वक्त अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी बसों को हरी झंडी दिखाई, दीनदयाल एक्सप्रेस को रवाना किया और अब ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है जहाँ पर ग्वालियर मेले का, व्यापार मेले का शुभारंभ किया जाए।